सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय संगड़ा में आप देख रहे हैं लोगों की आवाजाही। सुबह के 10:30 हुए हैं और इस तरह लोग खरीदारी के लिए निकले हैं, तो वाहन भी आते जाते नजर आ रहे हैं। और सामने एक लोक मित्र केंद्र के बाहर कुछ महिलाएं बैठी देखी जा रही है, और इस तरह से आप देख सकते हैं बिना मास्क के भी एक आध शख्स नजर आ रहा है। हालांकि अन्य सभी लोगों द्वारा मास्क पहने गए हैं, और कुछ लोग हैं जिनके मास्क ठीक से नहीं लगे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही जारी है, और सामान्य से ज़्यादा वाहन इस समय दिखाई दे रहे हैं। बैंकों के बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं, और इन बैंकों में भीड़ लगने का मुख्य कारण यहाँ ATM मशीनें लंबे अरसे से बंद होना समझा जा रहा है। हालांकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है इन बैंकों के बाहर, तो खरीदारी का समय होने के चलते आवाजाही फालतू घूमने वाले लोग भी दिखाई देते हैं बीच बीच में। ₹8:05 हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं बस अड्डा बाजार संगड़ा में अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी है। हालांकि कुछ दुकानों के शटर के अंदर से लाइट दिख रही है, थोड़े बहुत खुले हैं, मगर इसके बावजूद आज लगभग सभी दुकानें तय समय पर बंद हो चुकी है। स्थानीय पुलिसकर्मियों के मुताबिक 8:10 पहले ही दुकानदारों को दुकानें बंद करने को कहा गया था। तो इस तरह रेत बजरी की गाड़ियों की भी जाँच की जा रही है पुलिसकर्मियों द्वारा, और आप देख सकते हैं लगभग सभी दुकानें बंद है इस तरफ को। तो अभी लोग घरों की तरफ निकल रहे हैं और दुकानें बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं नाहन से आई ये बस अभी हरिपुर आ जाएगी। तो इस तरह बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है, और एक सीट छोड़कर बैठे हैं, तो इस तरह क्रॉस के निशान लगाए गए। अब देख रहे हैं पुलिसकर्मियों को वाहनों के चालान करते हुए। तो इस तरह बाजार में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों की वजह से कई बार जाम की समस्या रहती है, और कुछ गाड़ियां बसों की जगह भी खड़ी होती है जिनके पुलिसकर्मियों द्वारा चालान किए जाते हैं।